हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे रिश्तों की जो सालों से खराब पड़े हुए हैं। बात करेंगे ऐसे रिश्तों की जो कभी हमारी खुशी का रीजन थे, आज उन्हीं रिश्तों ने हमें रुलाया हुआ है। हम बात करेंगे ऐसे रिश्तों की जो मतलब जिनसे आपका पूरा लाइक विश्वास उठ गया है या आपकी होप खत्म हो चुकी है कि वो रिश्ते आपके सुधर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में शायद ऊपर वाले की ही कोई प्लानिंग है जो ये वीडियो आप देख रहे हो इस टाइम, या आपके सामने ये वीडियो आया है क्योंकि आप थक चुके हो टेक्निक कर करके, क्योंकि आप थक चुके हो स्क्रिप्टिंग कर करके, क्योंकि आप थक चुके हो बहुत बहुत सारी चीजें ट्राई करके लेकिन रिश्तों में कोई चेंज नहीं आया। तो ये वीडियो उसी का एक पार्ट है, उस प्लानिंग का, कि जहां से आपके रिश्ते सुधरेंगे, जहां से आपके रिश्तों को एक नया मोड़ मिलेगा, ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ। 14 मई को रिलेशनशिप वेबिनार मैंने रखा है जिसमें काफी सारे रजिस्ट्रेशन हुए भी हैं, और उस के रिगार्डिंग लोगों का एक क्वेश्चन था कि माही दी क्या इसमें फिर से वो प्रेयर मिलेगी जिससे 12 रिश्ते एक साथ हील हो सकते थे। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था क्योंकि उन्होंने पुरानी वीडियोस में देखा है कि मैंने पहले भी एक वेबिनार में ऐसी प्रेयर प्रोवाइड की थी जिससे बहुत जल्दी रिश्तों में चेंजेस आने थे और मुझे और बाकी सारे लोगों को भी इस प्रेयर के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो अभी तक मुझे क्लियर नहीं था कि ये प्रेयर मैं प्रोवाइड कर सकती थी या नहीं कर सकती थी, लेकिन राइट नाउ आप सबको एक गुड न्यूज़ देनी है, इस बार भी इस वेबिनार में आपको वो प्रेयर मिलेगी और ज़्यादा अच्छी अपडेट होके और ज़्यादा अच्छी फॉर्म में ये प्रेयर आपको मिलेगी। और ये प्रेयर पब्लिक इसलिए मैं नहीं कर पाई कभी भी और ना कभी कर पाऊंगी। अगर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि आप इसको पब्लिक कर दो, क्योंकि ये प्रेयर मेरी नहीं है, यहाँ पे तड़का होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लस में हीलिंग का, यानी कि जो जिनकी ये प्रेयर है वो बहुत बड़ी मैग्नीफाइंग हीलर हैं, वो रेकी हीलर हैं और वो एस्ट्रोलॉजर भी हैं जो हमारे सेल्फ लव मिशन में एस्ट्रोलॉजी की टीचिंग्स देती हैं। ये उनकी प्रेयर है। और गुड न्यूज़ ये है कि 14 मई को उनका बर्थडे है और राइट नाउ मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनसे जस्ट ऐसे ही पूछा, क्योंकि मेरा भी दिल कर रहा था कि सारे लोग नए हैं, क्यों ना इस वेबिनार में उनको इतना कुछ मैं दे दूं कि वो हमेशा इस वेबिनार को अपनी लाइफ चेंजिंग वेबिनार में काउंट करें, कि उस वेबिनार को ज्वाइन करने के बाद मेरे पूरे जिंदगी के रिश्ते बदल गए, मेरे रिश्ते सुधर गए। और एक ही हफ्ता लगेगा, सिर्फ एक हफ्ता, करना दिल से पड़ेगा। तो दी ने मुझे बोला है कि माही उस दिन मेरा बर्थडे है और जिंदगी में रिश्ते बहुत कीमती होते हैं, रिश्ते बहुत मायने रखते हैं, तो आपके बुलाने से मैं आ जाऊंगी और ये प्रेयर मैं वहां पर लोगों को जरूर दूंगी। ठीक है, सो अभी आपको क्लियर है। और एक और चीज मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चंस हैं वेबिनार को लेके। वेबिनार में मैं डीप हीलिंग कराने वाली हूं, आपको एक हीलिंग प्रेयर मिलेगी जिससे आपके पास्ट कर्मा, पास्ट ट्रॉमा, इनर चाइल्ड हीलिंग, साथ में आपके रिश्तों के बीच में जो भी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो चुकी है, वो प्रेयर करने से सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं, डेली आपको सोने से पहले करनी होगी। दी आपको बताएंगे, अच्छे से गाइड करेंगे कैसे करनी है, और वो सिर्फ एक हफ्ते के लिए अगर आपने दिल से कर ली। मैं लिख कर दे सकती हूँ, कैसी भी सिचुएशन में आपका रिश्ता पड़ा हो, चाहे नो कॉन्टैक्ट हो, थर्ड पार्टी हो, बीच में बहुत प्रॉब्लम्स हो, सारे रिश्ते इसमें इंक्लूड होते हैं और इसके अलावा बाकी रिश्ते भी इसमें इंक्लूड होते हैं, तो हर एक तरह के रिश्ते के लिए प्रेयर अप्लाई की जा सकती है। दूसरी बात कि स्क्रिप्टिंग करने का तरीका मैं बताने वाली हूँ, किस टाइप से स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं अपने रिश्तों के लिए, किस तरह से हमें ब्लेसिंग देनी है। वैसे मैं सब कुछ बताती रहती हूँ वीडियोस में, लेकिन वही है ना, इंसान का सबकॉन्शियस एक ऐसे काम करता है जब तक वो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट ना डाल दे, जब तक वो कहीं ऐसा ना देख ले कि हमने एक्स्ट्रा, वहां पे आपकी टाइम और मनी दोनों की एनर्जी वहां पे लगेगी ना, जब तो सबकॉन्शियस के अंदर इजीली रिप्रोग्रामिंग हो जाएगी। तो इस प्रेयर की जो पावर है वो इतनी ज्यादा मैंने देखी है, मैंने 3-3 दिन के अंदर इस प्रेयर के रिजल्ट देखे हैं। साथ में इस प्रेयर के साथ ये आपको सिर्फ रात को सोते टाइम करनी है, और पूरा दिन आपने खुद को कैसे अच्छे से हाई वाइब में रखना है वो जरूरी है। वो मेरी टीचिंग्स होंगी, सेल्फ लव का डीप मीनिंग, स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है और अपने दिन को कैसे स्पेंड करना है। साथ में इस प्रेयर का जब आप कॉम्बिनेशन लगाओगे तो जिंदगी में मैं एक चीज दावे के साथ कह सकती हूँ, दोबारा किसी चीज को यूज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो इस वेबिनार के अकॉर्डिंग मतलब इस वेबिनार में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, क्योंकि मतलब ऐसा है ना, ये मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है और इससे ज्यादा जरूरी आई थिंक कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि एक जो रिश्ते होते हैं ना,
वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी मेंटल पीस के लिए। और जब इंसान की मेंटल पीस डिस्टर्ब होती है तो ना उसकी जिंदगी में पैसा अट्रैक्ट होता है, ना ही उसकी हेल्थ अच्छी रहती है, ना ही वो अपने करियर में ग्रो कर पाते हैं, कुछ नहीं होता। तो इसलिए अगर आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो बहुत टॉक्सिक हैं, बहुत नेगेटिव हैं, जो इस टाइम उस हिसाब से नहीं है जिस टाइप से आप चाहते थे, तो ये वेबिनार सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और रही बात, आप अब सोचोगे कि आपने फ्री वेबिनार भी तो देना था, उसको मैं भूली नहीं हूं, वो भी आपको मिलेगा, लेकिन उसमें वो प्रेयर नहीं मिलेगी। ये वेबिनार जो स्पेशल मतलब मैं हर चीज शेयर कर दूंगी, लेकिन दूसरे की मेहनत, दूसरे की पावर को शेयर करना, आई थिंक ये कर्मा खराब करने वाली बात होती है। इसलिए ये हमें सिखाया भी गया है, तो ये हम कभी भी पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, किसी को बुरा लगे तो उसके लिए पहले ही आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। क्योंकि ये कर्मा के अंदर आता है। सोचो, आपने कोई बहुत मेहनत से कोई बुक लिखी है और आपने उसका छोटा सा कोई अमाउंट सेटअप किया, अब एक इंसान उसको लेके और सबको आपसे कम दाम में बेचता फिरे या उसको फ्री में बांटता फिरे, तो आपको थोड़ा सा उस टाइम अच्छा नहीं लगेगा। तो ये कर्मा होते हैं, जिसकी मेहनत है, जिन्होंने सालों से एक चीज पे मेहनत की है हीलर बनने के लिए, जिन्होंने सालों से कुछ मेहनत करी है अपने आप को उस लेवल तक ले जाने के लिए, तो उस चीज को हम पब्लिक नहीं कर सकते। सो ये मेरे कर्मा नहीं कहते, बाकी आपको जो समझना है आप समझिए। ये प्रेयर सिर्फ और सिर्फ वेबिनार में मिलेगी, और आई थिंक ये भी मैं कह सकती हूँ लास्ट टाइम इस वेबिनार में, क्योंकि अभी भी चांसेस नहीं थे। अगर ये प्रेयर पहले से डिसाइड होती वेबिनार में तो मैं स्टार्टिंग की वीडियोस में ही बोल देती, लेकिन जब उनकी परमिशन मुझे मिली कि हाँ माही मैं ये प्रेयर वेबिनार में दे दूंगी, तब मैंने आप लोगों को बोला, अपनी साइड से मैं बोल भी नहीं सकती, है ना। तो अब आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। फिर से रिमाइंड करा दूं, कोई रिश्ते की कोई भी पोजीशन हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई सा भी रिश्ता हो सकता है, सारे रिश्ते इस प्रेयर के अंदर इंक्लूड होते हैं। स्क्रिप्टिंग करने का तरीका बताऊंगी, आपकी हीलिंग कराऊंगी रिलेशनशिप के लिए, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम गलतियां करते हैं लेकिन हमको एहसास भी नहीं होता और उससे हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो हम बहुत डीप में बात करेंगे रिश्तों के ऊपर, 5 बजे से होगा, शाम को 5 बजे से, संडे वाले दिन। ज्वाइन करना मत भूलना। जिसके जो भी इस टाइम रिश्तों की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उन सबके लिए ये वेबिनार बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और ये साइन है ऊपर वाले का कि अब टेक्निक्स के पीछे भागना छोड़ो, कुछ नया ट्राई करो, अभी थक गए हो, एक और बार चांस लेके देखो। और ये चांस आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत चांस होगा, ये मैं लिख के दे सकती हूं, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही, डोंट मार्क माय वर्ड्स, यू नो, सक्सेस स्टोरी सीरीज में जाके देख लो रिश्ते सुधरे या नहीं, सक्सेस मिली या नहीं, ग्रोथ हुई या नहीं। सो इसी के साथ आज की वीडियो में बस मुझे यही क्लियर करना था। ये मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो मुझे बताओ कि आप इस प्रेयर को लेने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत सारा खुद से प्यार करें। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।